नमस्कार, मैं संतोष जायसवाल, आप देख रहे हैं जन विकास आवाज न्यूज। मुंबई करों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि आम जनता के लिए लोकल ट्रेन सेवा चालू हो जाएगी, लेकिन समय इसका होगा रात 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का। वहीं बोरेवली लोकल ट्रेन में, जो चर्चगेट बोरेवली लोकल ट्रेन है, उसमें एक अज्ञात बैग मिलने से सनसनी फैल गई है। आइए देखते हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को 15 साल की सजा हो गई है। सजा लाहौर कोर्ट की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सुनाई है। महाराष्ट्र के भंडारा में सरकारी अस्पताल में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां के जिला अस्पताल में देर रात 2 बजे आग लग गई। इसमें 10 नवजातों की मौत हो गई है, जिनकी उम्र लगभग 1 दिन से लेकर 3 महीने तक की बताई जा रही है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कलेक्टर संदीप कदम, एसपी वसंत जाधव, एएसपी अनिकेत भारती, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद खंडाते मौके पर मौजूद हैं। डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ के संजय जायसवाल भी नागपुर से भंडारा के लिए रवाना हो चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, कलेक्टर और एसपी से बात की है। उन्होंने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अर्जेंट बेसिस पर सभी अस्पतालों का ऑडिट करने का आदेश दे दिया है। सिविल सर्जन प्रमोद खंडाते ने बताया कि आग सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में तड़के 2 बजे लगी। यूनिट से 7 बच्चों को बचा लिया गया है, वहीं 10 बच्चों की मौत हो गई है। पूरे अस्पताल को पुलिस ने बंद करवा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दम घुटने से मरने वाले बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता है। घटना के पीछे की वजह का पता लगाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मारे गए बच्चों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। जन विकास आवाज को इसी तरह देखते रहें, जन विकास आवाज का हौसला इसी तरह बढ़ाते रहें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।